तो आईएएस बीकेबीवाई ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक शुरू करेंगे वर्ड का तीसरा अध्याय। तो उसके लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखना है और एंटर प्रेस कीजिए या टाइप कीजिए या क्लिक कीजिए उस पर। हालांकि वर्ड को खोलने का एक और तरीका है, विंडोज प्लस आर को आप दबाएंगे और इस रन में जा करके विन वर्ड अगर टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तभी यहाँ पे वर्ड आपका ओपन हो जाता है। और इस तरीके से आप जो है आसानी से बिल्कुल वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट पे फिर से जाते हैं हम लोग। यहाँ पे और जाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे थे। तीन ऑप्शंस को हम लोगों को देखना है कि ये तीन ऑप्शंस कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो इस पे हम लोगों को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले ये सेव वाला बटन आता है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, जैसे हमने जो भी चीज़ लिखना है यहाँ पे लिख दिया है ना, ये जो भी लिखना है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। हालांकि ये गलत हम लिख रहे हैं, ये बिल्कुल आप मान के चलेंगे कि हम गलत लिख रहे हैं। ठीक, हमने जो मर्जी यहाँ पे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद अगर हम इसे चाहते हैं, सबसे पहले फाइल बनाने के बाद सब लोगों के दिमाग में एक ही बात रहता है कि हम लोग इस फाइल को सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इस बटन पे जाइए, ये सेव है, और उस पर जैसे लेकर के जाइएगा ना तो उस पर दिखाएगा CTRL+S। CTRL+S को भी दबाइएगा तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा आपका, यानी फाइल सेव हो जाएगा। क्योंकि जो भी फाइल हम इसमें बनाते हैं एमएस वर्ड में, इस फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन भी दिखाता है ना। अब जैसे हम सेव यहाँ पे कर लेते हैं, अभी सेव नहीं किया तो डॉक्यूमेंट वन यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे सेव पे जाते हैं और सेव पे जाने के बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं नाम इसका, जहाँ पे भी आपको सेव करना है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर बाई डिफॉल्ट जाकर के डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव होता है ना। तो इसका नाम हम दे देते हैं, जैसे कि हम दे दिए यहाँ पे BKBY, हमने BKBY के नाम से दिया और इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। और जैसे सेव हो जाएगा ना तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि सेव हुआ या नहीं हुआ। तो सेव हुआ, यहाँ पे आपका जो है नाम दिखा देगा, ये नाम दिखा देगा, तो जिस नाम से आपने सेव किया ये नाम दिखा देगा। तो ये पहला यहाँ तरीका है कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सेव हो चुका है। दूसरी बात कि इसके बगल में, अब जैसे ये सेव हो गया, आप इसको यहां से, ये अंडो है, अंडो का मतलब जो अभी तुरंत हमने काम किया उसको निरस्त कर देगा, अभी हमने किया उसको निरस्त कर दिया। और इसके बगल में यहां पे रीडो आता है, रीडो टाइपिंग इसका नाम होता है ना। तो रीडो टाइपिंग क्या है कि जो तुरंत आपने निरस्त किया है, मतलब कि खत्म किया है, उसको ये फिर से दोबारा ला देगा, ये इसका काम है। फिर इसमें यहां से ये चला जाएगा। इसको हम लोग Ctrl+Z और Ctrl+Y से भी कर सकते हैं। Ctrl+Y ये रीडो के लिए, Ctrl+Z ये अंडो के लिए होता है। ये अंडो और रीडो ये दो चीज आता है, यहां पे हम लोग कर सकते हैं। इसके बगल में हम लोगों को यहां पे मिलेगा रीड, यहां पे इस पे क्लिक एक बार किए आप देखिए यहां पे, फिर हम लोगों ने इसी पे क्लिक किया, ये जो रीड आपको करना है इधर से GF GF JH GF, जो भी हमने लिखा है ये इसको एसपी करके दिखा। अभी हमने जो भी लिखा है यहाँ पे, ये आवाज साउंड में आकर के दिखा रहा है। अभी इसको हम स्टॉप कर देते हैं। देखिए अभी हम इसको मिटा देते हैं। जैसे लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, अब यहां पे हम रख देते हैं कर्सर को, फिर प्ले व्हाट इज कंप्यूटर, देखिए ये बोल करके आपको बता देगा कि ये क्या लिखा गया। कंप्यूटर, अब यहां पे देखिए कर्सर का भी यहां पे है, कर्सर अगर आपने यहां रखा, अब आप इसको प्ले कीजिए तो उसी वर्ड के आसपास में है, वही करेगा। अगर आप यहां से करते हैं ना तो आपको ये, आपको शुरू से व्हाट इज कंप्यूटर एक एक वर्ड को ला करके दिखाएगा। ये स्पीक वाला है, ये रीड अलाउड इसका नाम होता है। अल्ट कंट्रोल स्पेस को दबाएंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पे। अल्ट कंट्रोल और स्पेस को दबाने के बाद भी ये काम करने लगता है ना। ये हम लोगों का इसका शॉर्टकट की होता है। इसके बगल में हम लोगों को मिलता है टच माउस या टच या माउस मोड, इस पे जब क्लिक कर देते हैं
ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये टच मोड पे काम करेगा, जैसे कि स्क्रीन है ना, तो ये आपको ऑप्टिमाइज जो है टच पे काम करता है। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये टच वाला आ गया स्क्रीन, मतलब कि आप स्क्रीन को टच कीजिएगा तो ये काम करेगा, ये टच के हिसाब से काम करने वाला है ना। अब इसी पे जा करके अगर आप इसको माउस पे क्लिक कर देते तो माउस से आप काम करेंगे तो छोटा छोटा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसी के लिए जाते हैं और आप जो है जा करके इस पे काम कर रहे हैं और टच स्क्रीन वाला कोई लैपटॉप है या कोई भी स्क्रीन जिस पे आप काम कर रहे हैं वो टच स्क्रीन पे काम करते हैं तो ये छोटा छोटा रहेगा। आप इसको स्क्रीन पे यहाँ पे कोई भी चीज़ छोटा छोटा रहेगा, आप टच कीजिएगा करना हो किसी और पे टच, किसी और पे टच हो जाएगा। लेकिन इस पे जा करके अगर आप टच पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा स्पेसेबल आ गया, जैसे आप अपने उंगली से ले करके टच कीजिएगा तो ये एक उंगली का स्पेस लिया हुआ है, आपको उसके हिसाब से ये काम करेगा। जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उंगली के हिसाब से एक स्पेस आ गया है, उसके हिसाब से करेगा, है ना। तो ये 19 वर्जन में एमएस वर्ड 2019 वर्जन में ये दो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं ये जो दिए हुए हैं ऑफिस 2019 वर्जन में, तो 19 का है। लेकिन आप इसमें 16 में जाइएगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप 13 में जाइएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, 10 में तो ऑप्शन है ही नहीं, किसी में ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, लेकिन 19 में ये दो ऑप्शन आपको आकर के जुड़े हैं जो कि काफी एलिजिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दे रहे हैं कि एमएस वर्ड जो है वो 2019 वाला जो वर्जन है वो आपको जो काम करेगा वो विंडोज 10 पे काम करेगा, विंडोज 7 पे काम नहीं कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने चेक किया है क्योंकि हम लोगों के यहाँ ट्रायल भी चल रहा है तो ट्रायल के हिसाब से ये उस पर काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, देखेंगे काम कैसे होता है, ठीक। तो ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए थोड़ा सा इसके बाद इसके बगल में ये आता है, और भी बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी इसको एक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा बहुत से ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। एक यहाँ पे एडिटर आ रहा है, ये आपको न्यू ऑप्शन है, इस पे जैसे जाएंगे ये आपको एडिटर है, अभी ये काम नहीं करेगा, है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है ये आपको आगे चल करके हम लोगों को देखना है ना। F7 के माध्यम से आता है, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, आपको तीन तीन ऑप्शन ये आपको, जैसे हम यहाँ से आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए आ रहा है, ये मिनिमाइज के लिए आता है, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा, फिर ये क्लोज के लिए आता है, ये तो आपको पता ही है। और इससे देखिए ऑटो हाइड द रिबन, रिबन ऑटो हाइड हो गया, फिर इसी पे गए शो द टैब, सिर्फ टैब को शो करा रहा है ये, है ना। फिर इसी पे गए और यहाँ पे शो टैब एंड कमांड्स, तो ये सारे कमांड्स को भी शो करा रहा है। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे भी दिए हुए हैं, इससे काम करता। और साइन यहाँ पे यानी एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आप बना करके यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, इसके लिए अलग दिया हुआ है। तो ये बेसिक्स पार्ट्स जो ऊपर एक हम लोगों को दे रहा था, टाइटल बार में जो एरिया आ रहा था इसके बारे में हम लोग देखे, इसके नीचे जस्ट जाएंगे तो हम लोग आगे अभी एक एक टैब के बारे में भी देखेंगे और ये मेनू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या काम होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको गुड बाय, है ना। इसको रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, लॉकडाउन में आप पढ़ते रहिए।